दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर के बारे में, जहां पर आज के दिन एक नहीं बल्कि दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज के दिन टाटा पावर के अंदर हमें कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर आप इस शेयर का अगर पिछले एक महीने का ग्राफ उठाकर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7 से 7.5% की रिटर्न्स यहां पर टाटा पावर ने बनाकर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको रिटर्न्स बनाकर नहीं दे रही है। अगर आप देख पाएंगे तो यहां पर अगर आपने टाटा पावर के अंदर एक स्विंग ट्रेडिंग के रूप में इन्वेस्टमेंट किया होता एक महीने पहले, तो यहाँ पर आप 7 से 7.5% के मुनाफे में होते। यानी कि जितना रिटर्न्स आपको एफडी के अगेंस्ट पूरे एक साल में मिलता है, उतना ही रिटर्न्स ये कंपनी एक महीने में अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। बात करें टाटा पावर को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो एक भी मिनट में आपका वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जहां पर आप देख पाएंगे टाटा पावर टू सेटअप 100 मेगावाट कैप्टिव सोलर प्लांट फॉर विराज प्रोफाइल इन नासिक। तो टाटा पावर को आज के दिन एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट हाथ लगाए। टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज कोलैबोरेटेड विद स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर विराज प्रोफाइल टू सेटअप अ 100 मेगावाट कैप्टिव सोलर प्लांट इन नासिक। द प्लांट विल बी डेवलप्ड बाय टाटा पावर इट नासिक नेटक्रॉन एंड इट विल पावर विराज प्रोफाइल तारापुर प्लांट अ रिलीज स्टेटेड। तो यहाँ पर काफी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। 100 मेगावाट का जो सोलर कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट यहां पर कंपनी को मिला है, उससे टाटा पावर को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और द प्रोजेक्ट विल बी कमीशन बाय जुलाई 2023, यानी कि विद इन अ 1 ईयर के अंदर ये प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट होते हुए देखने को मिल जाएगा टाटा पावर की तरफ से, और इसका एक काफी बड़ा बेनिफिट टाटा पावर को मिलने वाला है। इस सेकेंड अपडेट की बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे टाटा पावर सेटअप ओवर 450 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस 350 नेशनल हाईवेज। तो रिसेंटली एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, द कंपनी इंस्टॉल्ड मोर देन 150 चार्जिंग पॉइंट्स पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी सोर्सेज इन मुंबई, एंड अब कंपनी लगभग 350 नेशनल हाईवेज के ऊपर अपने 450 इलेक्ट्रॉनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करने जा रही है, जिसमें नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 65, 48, 16 ये सारे इंक्लूडेड हैं। तो काफी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये शेयर्स अगेन फोकस में रहने वाला है। टाटा पावर अगेन आपको कहना चाहूंगा 245 रुपीज पर ये शेयर्स अभी के टाइम पर अवेलेबल है। यहां पर आप बायोन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये शेयर्स आपको 1000 रुपीज पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। बस आपको यहां पर अपना विजन, अपना जो टारगेट है वो लॉन्ग टर्म का रखना होगा। वॉल्यूम बेस्ड काम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आज के दिन भी टाटा पावर के अंदर 1,49,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके 45,00,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। नो डाउट 218 रुपीज के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्विक अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।